बिना गुरु के ज्ञान और भगवान किसी की प्राप्ति नहीं होती, यह विचार जब संत कबीरदास जी के मन में आया तो उन्होंने एक पहुंचे हुए संत को गुरु बनाने का निर्णय लिया। लेकिन जात पात और ऊंच नीच के डर के कारण गुरु के पास दीक्षा लेने नहीं जा सकते थे। ऐसे में उन्होंने जो तरीका अपनाया वह हैरान करने वाला है। कबीरदास जी ने सोचा कि गुरु बनाए बिना काम बनेगा नहीं, तो किसे गुरु बनाया जाए। उस समय काशी में रामानंद नाम के संत उच्च कोटि के महान पुरुष माने जाते थे। कबीरदास जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती किया कि मुझे गुरु जी के दर्शन कराओ। लेकिन उस समय जात पात समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए थे। उस पर भी काशी का माहौल, वहाँ पंडितों और पंडों का अधिक प्रभाव था। ऐसे में किसी ने कबीरदास जी की विनती पर ध्यान नहीं दिया। फिर कबीरदास जी ने देखा कि हर रोज सुबह 3-4 बजे स्वामी रामानंद खड़ाऊ पहनकर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। उनके खड़ाऊ से टप टप की आवाज जो सुनाई देती थी, उसी को माध्यम बनाकर कबीरदास जी ने गुरु दीक्षा लेने का तकरीब सोची। कबीरदास जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में और सभी जगह सूखी लकड़ी और झाड़ियों से रास्ता रोक दिया और जाने के लिए निकले। कबीरदास जी उनके मार्ग में गंगा की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जैसे ही रामानंद जी ने गंगा की सीढ़ियाँ उतरना शुरू किया, उनका पैर कबीरदास जी से टकरा गया और उनके मुंह से राम नाम के बोल निकले। कबीरदास जी का तो काम बन गया, गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरु मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। अब गुरु से दीक्षा लेने के बाद बाकी क्या रहा। कबीरदास जी नाचते गाते गुनगुनाते घर वापस राम के नाम की और गुरुदेव के नाम की माला जपने लगे। प्रेम पूर्वक हृदय से गुरु मंत्र का जाप करते, गुरु नाम का कीर्तन करते, साधना करते और उनका दिन यूं ही बीत जाता। जो भी उनसे मिलने पहुंचता वह उनके गुरु के प्रति समर्पण और राम नाम के जाप से भाव विभोर उठता। बात चलते चलते काशी के पंडितों में पहुंच गई। पंडितों ने देखा कि यौवन का पुत्र कबीर राम नाम जपता और रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। उस यौवन को राम नाम की दीक्षा किसने दी, क्यों दी और गैर सनातनी को राम नाम का मंत्र देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। गुस्सा करके पंडितों ने कबीर से पूछा कि तुम्हें राम नाम की दीक्षा किसने दी। तो कबीरदास जी ने रामानंद जी का नाम लिया। उसने पूछा कि कहाँ दिया, तो उन्होंने बताया गंगा के घाट पर। गुस्सा होकर रामानंद जी के पास पहुँचे और कहा कि आपने यवन को राम नाम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज, यह आपने क्या किया। रामानंद जी ने कहा कि मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी, लेकिन वह यवन जुलाहा तो रामानंद मेरे गुरुदेव रामानंद की रट लगाकर नाचता है। इसका मतलब वह आपका नाम बदनाम करता है। तब कबीरदास जी को बुलाकर उनसे दीक्षा की सच्चाई के बारे में पूछा गया। वहां काशी के पंडित इकट्ठा हो गए। कबीरदास जी को बुलाया गया। रामानंद जी ने कबीरदास जी से पूछा, मैंने तुम्हें दीक्षा कब दी, मैं तुम्हारा गुरु कब बन गया। कबीरदास जी बोले, महाराज उस दिन जब प्रातः आपने मुझे पादुका का स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया, वहाँ गंगा के घाट पर रामानंद जी को बहुत क्रोध आया और गरज कर बोले, मेरे सामने झूठ बोलते हो, मैंने तुम्हें कब दीक्षा दिया। कबीरदास जी को एक झूठा और चालाक व्यक्ति जानकर उन्होंने सच बोलने का भय दिखाते हुए उन पर अपनी खड़ाऊ दे मारी। इस पर कबीरदास जी बोले, गुरुदेव तब की दीक्षा तो झूठी है, तो अब की तो सच्ची है, मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के महात्मा थे, घड़ी भर भीतर गोता लगाया और शांत हो गए। फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा, चलो यवन हो या कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है, इसकी नीयत साफ दिखती है, इसके मन में कोई पाप नहीं है। बस इस तरह रामानंद जी ने कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। नमस्कार दोस्तों।